नमस्कार दोस्तों, UPSI ASI की वैकेंसी की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पिछली वैकेंसी 2021 की थी और उसके पहले 2016 की वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी फिर से आई है और आप लोगों को पता ही होगा कि कितनी कितनी पोस्टें हैं। एक बार थोड़ा से बात कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंशियल में 114 है और ASI क्लर्क 186 है और ASI अकाउंटिंग 88 है। ये जनरल की सीटें हैं। ओवरऑल 268, 449, 204 है। जनरल की सीटों को इसलिए लेके चलना है कि अगर हम वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पे हमारा अगर नंबर आता है तो हम सेफ़ रहते हैं। अगर कैटेगरी हमारी रिजर्व है तो हमारे लिए और चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, सीधे से बहुत कुछ सारी डिटेल्स हैं, कुछ डाउट्स हैं। इस वैकेंसी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, काफ़ी लंबे समय से इसको फॉलो करते आ रहे हैं और जो चीज़ें कहीं पे भी नहीं मिलेंगी उसके बारे में आज हम आपको बातचीत करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन के बारे में सब बता देंगे, एज के बारे में बता देंगे, हर चीज़ के बारे में बता देंगे। अभी अपना मामला वहाँ पे नहीं है। मेन मामला ये है, जैसे कुछ सर्टिफिकेट का इशू है, लीगल इलीगल कई लोग बनवा लेते हैं। दूसरा है कि तैयारी कितनी रखें। तीसरा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम जो है सोच के सारी चीज़ें हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं और फिर कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट के बारे में जब 2021 की वैकेंसी का लास्ट टाइम पे जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन होना था, रिजल्ट आने के बाद या उसके पहले ही, कई लोगों ने जो है लिखा था कि आयोग को कि भैया भैया ये फर्जी सर्टिफिकेट वाला फला जगह से बनना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान दे के चलना है, कोई भी आयोग हो, भले ही वो पुलिस का आयोग क्यों ना हो, एक चीज़ ध्यान देना है कि उनका जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो उनको इससे नहीं मतलब है कि कैंडिडेट कहाँ से कैसे प्रमाण पत्र लेके आ रहा है। कैंडिडेट जिस भी संस्था का प्रमाण पत्र देगा वो सीधे उस संस्था से पूछेंगे कि क्या भैया ये आपके यहाँ से पढ़ा है या नहीं है। अगर वो संस्था कह देती है कि हाँ ये हमारे यहाँ से पढ़ा है तो उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप कहोगे कि सर पुख्ता सबूत और बाकी सारी चीज़ें, देखो जब तक आप किसी कैंडिडेट के केस में स्पेसिफिकली किसी प्रूफ के साथ नहीं दे दोगे कि नहीं ये संस्थान जो है यहाँ पे कह रहा है लेकिन ये यहाँ से नहीं पढ़े हुए हैं, तब तक वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होगी। हाँ, आयोग ने कहा था कि जो भी फर्जी पकड़े जाएंगे हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो सभी आयोग, पुलिस विभाग नहीं, हर जगह के आयोग के ऊपर है। अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट लगाते हो तो 420 या बाकी जो भी धाराएँ हैं उस धाराओं में आपके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन आप ये कहो कि कोई फेक बनवा लिया है, पुलिस विभाग एक एक आदमी के पीछे भागेगी, तो ऐसा कुछ भी पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी आप उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ, ये है कि इतना आसान नहीं होती है सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई चीज़ सिस्टम में है तो हम आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बगैर पुख्ता सबूत के अलावा हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक संस्था जो चल रही है वो खुद में एक बड़ी संस्था है और पुलिस विभाग एक एक आदमी के पीछे हजारों लोग का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो पीछे पीछे नहीं भागेगी। आपका ये स्पष्ट है, इसमें आयोग की कोई भी गलती नहीं। आयोग किसी भी संस्था पे भरोसा करेगी, विश्वविद्यालय पे भरोसा करेगी, उसी से पूछेगी। हर जगह का सर्टिफिकेशन का यही होता है, जहाँ भी प्रमाण पत्र जांचे जाते हैं, आपके हाई स्कूल हों, ये भी हों या जो भी ये हो। अब कौन कौन से डिप्लोमा वगैरह लगेंगे, क्या लगेंगे, तो देखो एक पूरा विभाग ने दिया है और कई लोग जो ADCA DCA ये सब कर रहे हैं, साल भर का कोर्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वैलिड मानी जाएंगी अगर आपके पास वो लेवल नहीं है। तो सीधे साफ शब्द में एक ही चीज़, 12th कंप्यूटर साइंस वाले वैलिड नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर ट्रेंड क्या रहा है और बाकी सारी चीज़ें क्या रही हैं, तो देखिए पिछली भर्ती जब 2016 में आई थी तो 2016 में 400 नंबर में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग था। जनरल कैंडिडेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 160 नंबर 40% जिन्होंने भी पाए थे उन सभी को बुला लिया गया था आगे के टाइपिंग वगैरह के लिए, स्टेनो वगैरह के लिए। और जब लास्ट टाइम 2022-21 में ये हुआ था, दिसंबर लास्ट में जाके एग्ज़ाम हुआ था, उस समय पे आप ये समझ के चलिए कि लगभग 1300 सीट थी और 40,000 ही मात्र कैंडिडेट थे, 35 से 40 हज़ार के बीच में ही संख्या थी। लोगों ने पेपर दिया, पेपर आसान था, चार शिफ्ट में, जहाँ तक कि मुझे ध्यान आ रहा है, चार शिफ्ट में पेपर हुआ था। पेपर बहुत ही आसान आते हैं, सिलेबस आपने देखा है एकदम ईजी पेपर रहता है और पुलिस विभाग का पेपर ईजी रहता है, लेकिन कट ऑफ फिर हाई हो जाती है, निगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। अब फिर क्या हुआ, 2021 वाली वैकेंसी में जब लोगों ने पेपर दे के आया तो सबको ये लगा कि भैया पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तोड़ दिए हैं, फाड़ दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। मैक्सिमम लोग 200 पार कर रहे थे, सबको यही लगा कि लास्ट टाइम कट ऑफ जो 2016 के हिसाब से थी 160 के ऊपर हम हैं,
तो बहुत कट ऑफ बढ़ेगी 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। किसी भी भर्ती में आप देखोगे 10-20 नंबर कट ऑफ बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग ऐसे थे जिनके 270 नंबर, 265 नंबर, 280 नंबर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया कट ऑफ बढ़ेगी तो 100 नंबर बढ़ेगी, 110 नंबर बढ़ेगी तब भी 270 पहुँचेगी, हमारे तो 270 पार हो रहे हैं, 80 पार हो रहे हैं। पर जब फाइनल कट ऑफ आई थी, पहली कट ऑफ जब रिलीज हुई थी, जनरल की 313 पहली कट ऑफ थी और जितने रिकॉर्ड थे वो सारे टूट गए। 400 में 313 आप समझ सकते हो, लास्ट टाइम जो टोटल वैकेंसी थी इस बार से ज़्यादा थी, 1300 कुछ थी। इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार वैकेंसी 900-950 के आसपास है। तो आप सोचो कि जब पिछली बार की वैकेंसी के कंपेरिजन में इस बार की वैकेंसी कंपेयर आप करोगे कम हुई है, और पिछली बार की कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ जो जनरल का सिलेक्शन हुआ था आई थिंक ASI अकाउंट का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 290-91 पे हुआ था, EWS का 278 के आसपास था। तो यानी आप कुल मिला जुला के ये समझ के चलो कि चाहे अकाउंट्स हो और ये अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल SI कॉन्फिडेंशियल था उसमें स्टेनो थी, लोगों ने भर दिए थे, नंबर आ गए थे लेकिन स्टेनो नहीं आती थी। लास्ट टाइम में पुलिस विभाग ने कई बार उन्होंने निकाला लेकिन उनको अंत तक क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम पे कट ऑफ कम नहीं की, सीट खाली चली गई थी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जब तक सीट भरेगी नहीं तब तक कट ऑफ वो कम करते जाएंगे। पिछली बार ये नहीं हुआ था SI कॉन्फिडेंशियल के केस में। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार का, तो इस बार से सीधे देखो कि जो कॉन्फिडेंशियल में डिफरेंस आया है, लास्ट टाइम पे 327 थी, इस बार 268 है, टोटल सीट बता रहा हूँ। क्लर्क में ASI क्लर्क में लास्ट टाइम पे आपके पास कितनी थी, 644 थी, इस बार 449 हैं, मतलब लगभग 200 सीट यहाँ पे कम हो गई। अकाउंट्स में कितनी थी, लास्ट टाइम 358 थी, इस बार मात्र 204 हैं, यानी आपकी सीट फिर कितनी कम हो गई है, आपकी सीट लगभग फिर से 150 यहाँ पे कम हो गई है अकाउंट्स में। अब सर पेपर का लेवल देखो, पेपर का लेवल लास्ट टाइम से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। पुलिस विभाग का पेपर है वो पेपर इजी टू मॉडरेट ही रखते हैं, डिफिकल्ट नहीं रखते हैं, 2-4-6 क्वेश्चन टफ आने से उसको कठिन नहीं माना जाता है। हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन कठिन होंगे ही, लेकिन आप ओवरऑल जब क्वेश्चंस की बात करोगे, पेपर की बात करोगे, तो पेपर ठीक ठाक रहता है, लोग कर लें ऐसा रहता है। सर कंपटीशन, कई लोग चिल्ला रहे थे धांधली हुई, ये हुई, जब तक किसी चीज़ का कोई पुख्ता सबूत ना हो किसी भी आयोग के लिए कहीं पे भी आप बोलने से इस चीज़ को बचिए, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो आयोग को उपलब्ध कराइए या तो आप कोर्ट में जाइए। इससे ऊपर इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। हाँ, अब इस बार का कट ऑफ और इस बार की चीज़ें मैं मान के चलूँ, देखो अभी मैं फिर बोलूँगा लोग चिल्लाएंगे अरे अरे इतना हाई कट ऑफ जाता, आप हमेशा हाई क्यों बताते हो। सीधी सी बात है, इस बार का भी जो ASI SI ये हैं 10-5 नंबर का आगे पीछे सब में रहेगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आना है। पिछली बार भी यही ट्रेंड था, 10-5 नंबर का ही अंतर सब में था। तो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी, जो रहेगा पिछली बार की सीट, इस बार का कंपटीशन बढ़ा के अगर आप देखेंगे, लोग ज़्यादा भरेंगे, पहले से ज़्यादा लोग हैं, इस बार बढ़ने की संभावना है। पिछली बार 40,000 दिए थे तो इस बार कम से कम 80,000 लोग देंगे, चाहे 70-80,000 लोग कम से कम रहेंगे, यानी डबल होगा, सीट कम हुई है। कहीं पे भी अगर आपका लगभग जो मेरा अनुमान है लास्ट टाइम के और इस बार के कंपैरिजन में, अगर 400 नंबर में आपके 330 से कम आ रहे हैं तो आप कंपटीशन से पहले बाहर हैं। अब आप एक चीज़ जान के चलिए कि रीजनिंग वगैरह के पार्ट सबके हो जाते हैं, GS वगैरह के 2-4 छोड़ के सबके हो जाते हैं, हिंदी सबके हो जाते हैं, मेन होता है आपका जो कंप्यूटर का पार्ट है, वहाँ पे कंप्यूटर ओ लेवल के लेवल का आता है। जो लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो तो बनवा लेते हैं, लेकिन ओ लेवल का कंप्यूटर आप कहाँ से सीख पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए कि फेक सर्टिफिकेट वाले भले बनवा लें, लेकिन ओ लेवल का कंप्यूटर पूरा सीखना, याद करना, जैसे मेरा खुद का है, इतनी आसान चीज़ नहीं है। और आप देखेंगे तो इस बार का भी जो पेपर रहेगा आसान रहेगा, और जो कट ऑफ जानी है 330, और अगर 350 जाए तो आप उसको गलत मत मानिएगा, क्योंकि 350 भी पहली कट ऑफ जा सकती है, हो सकता है बाद में कम करें जैसे जो है कैंडिडेट मिले। अब देखो जैसे ASI अकाउंट है, मात्र 88 सीट जनरल की है, लगभग 73 के ऊपर ज़िले हैं, 73 के आसपास लगभग ज़िले हैं, 73 अपने उत्तर प्रदेश में, बाहर के जो कैंडिडेट आएंगे छोड़ दो, क्या एक शहर से एक ज़िले से एक कैंडिडेट नहीं निकलेगा, मेधावी छात्र नहीं होगा आपको लगता है? तो इसलिए थोड़ा लॉजिकल लगाइए। और लास्ट टाइम पे भी बहुत सारे कोचिंग वाले सर्वे दिखाए और बहुत कुछ किया, उन्होंने बताया, सब कह रहे थे कि 220 कट ऑफ रहेगी, 225 कट ऑफ रहेगी, लोगों ने कहा कि हमने डाटे इकट्ठा किए हैं, आंकड़े इकट्ठा किए हैं, 10,000 लोग हमारे यहाँ दिए हैं,
40,000 कुल पेपर दिए थे, 10,000 दिए थे। देखो जिसका पेपर अच्छा नंबर हो जाता ना वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, वो जान रहा है कि हम पा रहे हैं वो टाइपिंग में रहेगा। तो इन सब चौंचलों में मत पढ़ना, सीधे अपनी जो तैयारी है 350+ की रखना। अगर सिलेक्शन चाहते हैं आप तो 350+, और बाकी जो है रिजल्ट जो आए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीट इस बार कम है, बहुत अच्छी जॉब है, कंपटीशन इसमें बहुत हाई होगा इस बार। पिछली बार लोगों को जानकारी कम थी, इस बार जानकारी लोग जागरूक ज़्यादा हैं, और कई ऐसे लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर और बाकी सारी जगह भरेंगे वो सब ओवरलैप करेंगे कांस्टेबल वाले इसमें, और सिलेबस लगभग मिलता जुलता है ना, तो सब फॉर्म भर देंगे। 400 रुपये है, लोग कहेंगे कि 1200 रुपये जा रहा है, चलो तीनों भर देते हैं। तो इस वजह से ये कट ऑफ आई जाएगी। अब इसी के साथ जो है आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर हम लोग बाकी सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।